तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अचानक से क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये विंडो बंद कर रही थी और कैसे ये घड़ा गिर गया। मैं रोज़ ये विंडो बंद करती हूँ बट ऐसा नहीं होता है, और अभी ये गिर चुका है, फूट गया है। इसको मुझे उठाना पड़ेगा पहले तो, एंड क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से कर लेती हूँ। सो हेलो एवरी वन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कि घड़ा फूट गया है। एक्चुअली मुझे कहीं निकलना था, उस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी और वो घड़ा गिर गया, फूट गया है। सो फाइनली मैं बताती हूँ आपको हम कहाँ आए हैं। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेबी का बर्थडे था, तो वो उनको बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कुछ ना कुछ उनको लेना सा था, तो इसलिए हम दोनों लोग साथ में आए हैं। आज मेरे पास कोई शूट नहीं था, मैं फ्री थी, तो मैं आ गई उनके साथ। तो मुझे भी पीहू के लिए एक दो लेगिंग वगैरह लेना था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, उनका काम भी एंड मेरा काम भी। सो इसीलिए हम लोग आ गए थे। तो पहले हम आए थे मिनिसो, यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे बट हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। सो फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अल्फ़ा टू में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी पहले, कई मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं स्टेशनरी के, ज्वेलरी के, बहुत सारे। सो वहाँ पे हमें पसंद आ गया है, क्या लिया है वो मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ कर दूँगी। एंड यहाँ पे फिर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो एग्जीबिशन में बहुत सारे ब्यूटीफुल ज्वेलरी वगैरह थी बट बहुत एक्सपेंसिव थी। एंड बहुत बारिश हो रही थी इस टाइम पे, बार बार रुक रही थी बारिश, बार बार हो रही थी। सो इस तरह से बारिश होती रही, देखिए मैं खड़ी हुई थी, बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर ही हम लोग का 2 घंटे में काम हो गया था, क्योंकि पीहू को भी आना था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम करके वापस आ गए थे। तो चलो घर चलते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आराम से। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, 3:30 पौने 4 बज रहा है एंड पीहू को लेकर के मैं आ गई हूँ। गए थे हम शॉपिंग के लिए, एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कुछ ज़रूरत था, उसे कुछ लेना था, तो उन्होंने बोला मुझसे चलने के लिए। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आज शूटिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, पीयू के लिए भी मैं कुछ ले लूँगी। सो वही सब मैं देख रही थी, 2 लेगिंग लेकर के आई हूँ बस, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। बट बहुत सारी चीज़ें इरला में मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाओ घूमो। मैंने सोचा था गोलगप्पे वगैरह हम लोग खाएंगे बाहर, लेकिन पीयू का आने का टाइम हो रहा था, सो हम लोग जल्दी जल्दी वापस आ गए। और आज मेरा ये घड़ा जो है ये फूट गया, सूना सूना हो गया। ये जगह कितनी खाली लग रही है, दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमेशा घड़ा रखा रहता था ना, तो अभी ये जगह एकदम खाली हो गई है क्योंकि घड़ा फूट गया। अब देखेंगे एक दो दिन में जब भी कभी जाएंगे बाहर तो फिर नया लेकर के आएंगे। ओके गाइज, तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप पूछते हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करती रहती है, आपकी स्किन में कोई पिंपल मार्क नहीं है या फिर ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है, तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो मैंने आपके साथ पहले भी अपना इस टॉपिक पर मैंने बात करी है कि अगर आपके फेस पर किसी भी तरह के मार्क हैं, बॉडी में किसी तरह के कट के मार्क, तो आप उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि पोर्स एंड मार्क्स जो है वो 100 ml की बॉटल में आता था। अभी इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, इतना अच्छा यूज़ लोग इसको कर रहे हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं इतने अच्छे हैं कि अभी नेचर शॉन ने पोर्स एंड मार्क्स का यहाँ पे 30 ml की बॉटल जो है वो लॉन्च कर दी है। इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है, आई थिंक 269 rupees में मैंने इसको अमेजोन से परचेज कर लिया था। और जो इसके बेनिफिट हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि बड़ी वाली बॉटल के थे, बस ये छोटे ही है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं एंड इसको आप फेशियल ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके बड़े जो हैं दादी दादा नानी, उन्होंने आपको बताया होगा कि पहले के जमाने में एंशिएंट टाइम में कोई भी क्रीम यूज नहीं करते थे, लोग नेचुरल ऑयल ही यूज करना पसंद करते थे अपने फेस पे, और उसका जो रिजल्ट होता था वो बहुत अच्छा होता था, उनके फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे या फिर मार्क वगैरह नहीं होते थे। सो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने फेस पे, ये 100% नेचुरल ऑयल है एंड जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो भी नेचुरल हैं, सो आप इसको बिना किसी सेकेंड थॉट के आराम से यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें है मोरिंगा ओलिफेरा, नेचुरल हर्ब है, आयुर्वेदा में इसका काफी अच्छा यूज किया जाता है एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। मोरिंगा ओलिफेरा अच्छी क्वांटिटी में इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम होता है, जो हमारी स्किन को पिंपल मार्क्स और ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
एंड गाइज इस ऑयल को मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, आप इसको एक बार 40 डेज का चैलेंज लेकर के एक्सेप्ट करें, इसको डेली यूज करें और आप इसका बेनिफिट देखेंगे कि आपकी जो स्किन है डे बाय डे वो आपको अच्छी होती नजर आएगी। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक 75% लोगों ने फेशियल क्रीम से ज्यादा फेशियल ऑयल को प्रेफर किया है एंड ये ज्यादा नेचुरल भी है। सो गाइज आप इस प्रोडक्ट को श्योर ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, यूज करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए इसमें ड्रॉपर दिया हुआ है, आप इसको ड्रॉपर की हेल्प से लेकर के अपने फेस पे एक दो ड्रॉप लेने के बाद इजीली उसको ब्लेंड कर लीजिए। डे एंड नाइट में अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड अगर आप इसमें बताए गए इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर आप किस रिलेटेड कोई और इशू है और आप कोई उसके बारे में एडवाइस लेना चाहते हैं तो नेचर श्योर के थ्रू जो फ्री कंसल्टेशन डॉक्टर की एडवाइस मिल रही है उसको सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पे आपको जो फॉर्म है वो फिल करना होगा और वो फिर आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो बिना से किसी सेकंड थॉट के इस प्रोडक्ट को परचेज करिए एंड आप अपने जो इफेक्टेड एरिया है उस पर यूज करके देखिए, आप वापस आके मुझको खुद थैंक यू बोलेंगे। फिर से आपको बता दूं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ये हाई रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। ओके गाइज तो अभी शाम का टाइम है, मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में अपना डिनर तैयार करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी तो कल आई थी, उसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे डोसा, क्योंकि पीहू का आज मन था डोसा खाने का। तो मैंने यहाँ पे अरहर की दाल निकाली है, तुअर दाल जिसे बोलते हैं, उसको मैं भिगो वॉश करके भिगो के रख दूँगी। पहले भिगो देती हूँ ना तो फिर अच्छा बनता है डोसा सांभर, इसीलिए मैं कोई भी दाल बनाती हूँ ना तो मैं उसको करीब एक घंटे पहले तो भिगो ही देती हूँ। सो उसको मैं वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दूँगी एंड उसमें मैं लौकी एंड बैंगन दो ही सब्जियाँ डालती हूँ, टमाटर या फिर गाजर वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता। और मैं आपको पर्सनली सही बताऊँ ना अगर तो मुझे बाहर का सांभर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मतलब मैं डोसा बाहर खाना पसंद ही नहीं करती क्योंकि वहाँ का सांभर मुझे पसंद नहीं है एंड यहाँ का जो घड़ा है वो फूट गया है तो अब मुझे उसको पानी भरना है, स्टोर करना है, तो मैं जग में भर करके रख लूँगी क्योंकि बार बार जब पानी प्यास लगती है तो वो एक्वा गार्ड खोलने में मुश्किल होती है इसीलिए। तो ये देखिए मैंने इसको भरने के लिए लगा दिया है। तो गाइज मैं यहाँ पे डोसे की तैयारी कर रही हूँ एंड पता नहीं क्यों मेरा ना ये लेंस मुझे गंदा ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर लिया है, सांभर बना रही हूँ एंड आज मौसम बहुत अच्छा था, वेदर सारा दिन बारिश 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 हुई है। मेरा सांभर भी बन गया है, आलू मैंने फ्राई कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सांभर मसाला मुझे कम लग रहा था तो वही मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले पीहू को एक छोटा सा डोसा बना के दे दूँगी। और पता नहीं आज क्या हुआ था, बैटर में ना डोसा बन ही नहीं रहा था, मतलब फैल तो गया बट उठ ही नहीं पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था, वो ख़राब हुआ बहुत मुश्किल से। जैसे तैसे देखिए मैं निकाल रही हूँ, बना रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही थी। जब बैटर अच्छा नहीं होता है ना, डोसा अच्छा जब फैलता नहीं है, निकलता नहीं है, तो बहुत उलझन होती है बनाने में। सो पीहू को मैंने दे दिया है, इधर मैं अपने लिए भी एक डोसा बना दो डोसा बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे सांभर टेस्ट करके देख रही थी नमक वगैरह ठीक है ना, पीहू को तो पता नहीं चलता है नमक है या नहीं है और वर्मा जी अभी तक ऑफिस से आए नहीं थे तो ये तो गरम गरम बना के ही खिलाया जाता है ना, तो जब वो आएंगे तो मैं उनको बना के खिला दूँगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में कल मिलती हूँ।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो कल फिर बहुत लेट हो गया था वर्मा जी को ऑफिस आते आते, घर उनको खाना खिलाया, पीहू को सुलाया, उसके बाद फिर मैं व्लॉगिंग करना भूल ही गई और यहाँ पे ये रेडी हो रहे थे अपना टाई वगैरह मुझसे ठीक करवा रहे थे, बोल रहे थे इसको ठीक कर दो, वो मैंने सब कर दिया है। एंड यहाँ पे ये मस्ती कर रहे थे कि मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा तुम्हारा, ये तुमने मेरा घड़ा कैसे फोड़ दिया, वही यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे। घड़ा कैसे फूट गया? घड़ा फूट गया। कैसे? मैं को कल जाना था बाहर, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में विंडो बंद किया और विंडो बंद करते हुए उसमें लग गया हाथ तो गिर गया। अरे यार धीरे धीरे काम किया करो ना, तो इतनी तेजी तेजी क्यों काम करती हो? जल्दी थी ना, मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के साथ बाहर, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। बट हाँ मैंने सोचा जल्दी से देर भली, अब मैंने ये सीख लिया है। बट क्या करें, दुर्घटना से देर भली। हाँ, और कल मैं दो लेगिंग भी लेकर के आई थी पीहू के लिए, मैंने दिखाया नहीं आपको। और यार पता नहीं, ये देखो मैं दो लेगिंग लेकर के आई थी पीहू के लिए, दुर्घटना से देर भली। ये गाइस देखिए, मैं पीहू के लिए दो लेगिंग लेकर के आई थी फुल, एक ये रेड कलर की 200 की दो हैं और अच्छा कलर मिल गया दो, वैसे और अच्छे कलर्स होते तो मैं शायद दो और ले लेती, बट अब मुझे इसे पानी में थोड़ा सा डिप करके मतलब धो करके तब फैला दूंगी, उसके बाद पहनाऊंगी, नवरात में निकालेंगे ये नया कपड़े ना। चलो अभी रख देते हैं इसको। ओके हाय, जल्दी आने का ट्राई करिएगा। सो गाइज वेलकम बैक। एंड आजकल डेली ऐसा होता है कि मेरा ब्लॉग कल से स्टार्ट होता है, मतलब एक दिन पहले से, और डेली मॉर्निंग में ख़त्म होता है। डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही हो जाता है। एक्चुअली पीयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज दूसरा टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट उसका आईटी का था, आज मैथ्स का है, सो इसलिए उसके साथ थोड़ा सा टाइम मेरे को देना पड़ता है, सो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ एनीवेज। और घड़ा फूट गया है, अभी नया नहीं लिया है, देखते हैं कब लेकर के आते हैं। पानी स्टोर करने के लिए एक्चुअली हमें कुछ बर्तन चाहिए होता है तो हम लोग घड़ा ही रख लेते हैं, तो ऐसा ही है। तो चलो फिर अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं एंड एडिटिंग करती हूँ वीडियो की। एक वीडियो आज एक शूट करना है, ब्रांड वीडियो है, मन नहीं हो रहा है आज मेरा, बट करना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है मन नहीं होता है, बट मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ, लेकिन आज नहीं है मन, फिर भी करना है। तो चलो मिलते हैं कल अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।